आपको पता है कि 108 फील्ड कर्मचारी और खुशियों की सवारी के जो पूर्व कर्मचारी है उनको किस प्रकार से एक पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उन्हें ले गए सुद्धोवाला जेल, जो डिस्ट्रिक्ट जेल है जहां हार्डन क्रिमिनल्स रहते हैं। वहां पर उन्हें एक खुले मैदान में रखा गया। मीडिया ये नहीं बता रही कि किस प्रकार से लड़कियों को चोटें आई, किस प्रकार से पुलिस ने भीड़ में लड़कियों को 180 डिग्री के एंगल पर अपने लकड़ियों के बेटन से मारा, किस प्रकार दो लड़कियां बेहोश हो गईं, किस प्रकार एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हो गया और इन्हें ले जाया गया अस्पताल, और उसके बाद ये पहुंच गए धरना स्थल। जानते हैं धरना स्थल क्या था? एक कमरा नहीं था, एक हॉल नहीं था, एक खुला मैदान था जहां एक तरफ जंगल, एक तरफ एक नदी बहती है। खुले आसमान के नीचे ये बच्चे अपनी रात किस तरह से बिता रहे थे ये आप सोच सकते हैं। सो नहीं पाए वो रात भर, हमने उनके लाइव भी देखे उस समय के। दुख की बात यह है कि उसमें महिला कर्मी भी थी, मगर ना वहां पे एक भी महिला कांस्टेबल थी, ना हमारे प्रदेश की महिला कमीशन जाग रही है, ना राष्ट्रीय महिला कमीशन जाग रही है। हमारे इन बच्चों को पुलिस ने जब कस्टडी में लिया था कल, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, इनके साथ हाथापाई, इनके साथ मारपीट, लाठी चार्ज किया था, तो वो किसके निर्देशों पे किया गया होगा आप समझ सकते हैं। इनको कस्टडी में लेकर अगर सुद्धोवाला जेल ले जाया गया तो इन्हें छोड़ा भी जाना था। इन बच्चों ने कहा कि ये किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं, परंतु कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। तत्पश्चात ये वहीं थे, परंतु आज ये बात सामने आई कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया और ये अनलॉफुल डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन है। ये देखकर कि ये मैटर अब लोगों की समझ में आ रहा है और वो जानते थे कि वो रूल बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आनन फानन में इन्होंने क्या किया। आज हमारे 108 के पूर्व कर्मी लॉकअप में हैं। जी हाँ, कल रात को, मतलब अभी कुछ देर पहले, देर रात को पुलिस आई और उन्होंने अपनी रूल बुक के मुताबिक 21 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई। परंतु आप लोग इसे गिरफ्तारी दिखाना मत समझिएगा, गिरफ्तार करना मत समझिएगा, कस्टडी में लेना मत समझिएगा, ये गिरफ्तारी दी गई, मतलब इनसे कहा गया और इन्होंने चुनकर अपने बीच में से 21 लोगों द्वारा गिरफ्तारी दिलवाई। और आप देखेंगे कि पुलिस किस तरह से ये भी कह रही है कि 50 से ज्यादा के उम्र वालों को ना भेजा जाए। कागज भर रहे हैं, परंतु कैसे भर रहे हैं वो भी देखिए। इसको वो करना है, इसका फ्रंट कैमरा का है। रोहित भाई सभी लोग बैठ जाएं यार। भाई शिव कुमार मौर्य आगे आ जाओ, आगे गणेश जोशी आगे आओ, है बैटरी। अरे साथियों बैठ जाओ। लगातार 75 दिन से जो हम ये धरना प्रदर्शन अपना कर रहे थे, पुलिस कस्टडी में हमें जो है कल यहाँ पर लाया जाता है।
और अब हमारे साथियों की गिरफ्तारी की नौबत यहाँ पर आई है, तो मैं सबसे पहले अपने सभी उन साथियों को यहाँ पर आगे आमंत्रित करूंगा। जो साथी हमारे लिए गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, जेल में जाने को तैयार हैं, एक एक करके मैं उन साथियों का नाम लूंगा। सबसे पहले गंगा प्रसाद नोटियाल जी टीरी से। श्रीचंद जी टीरी से। पूरन सिंह जी पिथौरागढ़ से। तो भी जरा और सभी बैठ जाएं और बाकी लोग कोई चले ना रहे और सब लोग बैठ जा भाई। दिनेश सेमती जी पिथौरागढ़ से। प्रमोद थपलियाल जी देहरादून से। जवाहर सिंह जी देहरादून से। भवान सिंह जी चमोली से। देवेंद्र कुमार जी चमोली से। भूपेंद्र सिंह जी चमोली से। गोविंद तिवारी जी चंपावत से। रोशन सिंह जी चंपावत से। हरिश्चंद कापड़ी जी उधम सिंह नगर से। पूरन सिंह जी उधम सिंह नगर से। विनोद प्रकाश शर्मा जी हरिद्वार से। रविंद्र सिंह जी हरिद्वार से। मनोज कुमार जी बागेश्वर से। विनोद चंद्र जी बागेश्वर से। पंकज सिंह कार्की बागेश्वर से। रणजीत सिंह सोटियाल जी अल्मोड़ा से। आनंद सिंह रावत जी अल्मोड़ा से। दिगंबर सुयाल जी नैनीताल से। साथियों ये हमारे 21 जो जांबाज साथी कहूंगा मैं इन लोगों को, जो हम लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए जेल जाने को तैयार हैं, इस उत्तराखंड सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ इन इतने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, हमारे रोजगार को वापसी दिलाने के लिए ये लोग जेल जा रहे हैं। और मैं एक अनुरोध करूंगा सभी साथियों से और सभी जिलाध्यक्षों से, जो साथी यहां पर मौजूद हैं आज, वो ये तय कर ले कि उनको यहां रहना है तो उस समय तक रहना पड़ेगा जब तक हमारे साथी हमारी लड़ाई को लड़के जीत के बाहर ना आए। और जिसको जाना है वो स्वतंत्र है, वो अभी जा सकता है, कल से कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, उसको तो हटा दिया जाएगा तुरंत। हटाए नहीं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जिसको जाना है वो अभी जा सकता है, आज उसके लिए खुली छूट है, कल से कोई बहाने नहीं चलेंगे। जितने साथी यहाँ पर मौजूद है उतने साथी तब तक रहेंगे जब तक हमारे 21 साथी जो है जीत कर वापस नहीं आएंगे। ये हमारे लिए इतना बलिदान दे रहे हैं, इतनी हिम्मत 717 लोगों में से इन 21 साथियों ने दिखाई है। मैं सलाम करता हूं पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, पूरे 717 परिवारों की तरफ से इन 21 साथियों को, और सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को आह्वान करता हूं कि 11 साल तक उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने हमारे खिलाफ ये तानाशाही रवैया अपनाया, ये दमनकारी नीति जो उत्तराखंड सरकार अपना रही है, उनकी दमनकारी नीतियों से हम कुचलेंगे नहीं। और हम जितना भी हम पे दमन करना चाहे, हम उस दमन को सहन करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हमारे 21 साथी जो है आज जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, और मैं उत्तराखंड की जनता को आह्वान करता हूं कि अब ये आंदोलन जो है उत्तराखंड के जन जन का आंदोलन बनना चाहिए कि मात्र अपने रोजगार की वापसी की मांग को लेकर 11 वर्षों तक जिन लोगों ने सेवाएं दी थी, लोगों की लाखों जिंदगियां बचाई थी, आज उनके साथ ये नौबत आ गई है। उत्तराखंड सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, मात्र एक अपनी निजी चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो इन 700 परिवारों के साथ आज ये नौबत आ गई है। अभी हम सुद्धों वाला जेल परिसर के खुले मैदान में मौजूद हैं, जहां पर हमें कल दिन 3 बजे तक ला दिया गया था, और अब हमारी गिरफ्तारी यहां पर जो है हमारे साथी अंदर जा रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड की जनता को पुनः आह्वान करता हूं कि ये 21 साथी जो है
इन 700 लोगों की परिवारों की लड़ाई को लड़ने के लिए जो है अंदर जाने को तैयार है, जेल के अंदर जाने को तैयार है। उत्तराखंड सरकार चाहे जितने भी दमनकारी नीतियां अपना ले, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमने विकट भौगोलिक परिस्थितियों में 11 वर्षों तक उत्तराखंड की जनता की सेवा की है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप चाहे जितना शोषण करना था, जितना चाहे दमनकारी नीतियां अपनाओ, उत्तराखंड की जनता अब जागेगी, उत्तराखंड की जनता इस सरकार को जवाब देगी। मैं पुनः आह्वान करता हूं उत्तराखंड के समस्त जनमानस को, जितने भी यहां पर सामाजिक संगठन उत्तराखंड के, उनको भी आह्वान करता हूं कि 11 वर्षों तक जिन लोगों ने उत्तराखंड प्रदेश में सेवाएं संचालित करी थी, लोगों की जिंदगियां बचाई, लाखों जिंदगियां बचाई, आज उनके साथ ये नौबत आ गई है, उनको जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बहुत बड़ा कलंक है उत्तराखंड के नाम पे, उत्तराखंड के शहीदों के नाम पे। आज उत्तराखंड के जो हमारे शहीद, बड़े बुजुर्ग शहीद हुए थे, उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी कि क्या हमने अपने प्राणों की आहुति ऐसे उत्तराखंड राज्य के लिए दी थी कि इन युवाओं को जो अपने रोजगार को, मात्र अपने रोजगार को वापस पाने के लिए, जिसको कि न्यूनतम वेतन में ये लोग काम कर रहे थे, उसको वापस पाने के लिए जो है आज इनको जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कलंक है उत्तराखंड सरकार के मुखिया पर और उत्तराखंड की वर्तमान सरकार पर। मैं अभी भी आह्वान करता हूं उन 57 विधायकों का, जिनको प्रचंड बहुमत के साथ हमने जो सरकार यहां पर बनवाई थी, उनका जमीर अभी भी जिंदा है, तो अभी भी आगे आ जाएं और इस प्रदेश के मुखिया की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। और उत्तराखंड की जनता का विशेष रूप से आह्वान करूंगा कि आप आगे आएं और इस आंदोलन को, आप ये आंदोलन शुद्धों वाला जेल से हमारे 21 साथी लड़ेंगे, और उत्तराखंड का जनमानस जो है, हम तो देहरादून की सड़कों पर लड़ेंगे, पर उत्तराखंड का जनमानस इस आंदोलन को जो है पूरे प्रदेश में लड़े, ताकि ये आवाज जो है दिल्ली में बैठी हुई सरकार तक पहुंचे कि उनके नाम पर वोट पाकर जो यहाँ पर मुखिया बैठे हैं, वो क्या सुलूक कर रहे हैं इन युवाओं के साथ जो मात्र अपना रोजगार वापस मांगना चाह रहे थे। तो मेरा पुनः विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है उत्तराखंड की आम जनमानस से कि आप लोग इस आंदोलन को अपने हाथों में लें। समस्त जो सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मातृ शक्ति, युवा शक्ति, जितनी भी इस पूरे पर्वतीय प्रदेश की है, कि आप अब आगे आए, इस आंदोलन को अपने हाथ में लें, क्योंकि आज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कल हमारी माताओं, हमारी जो महिला शक्ति हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको घसीटकर उनके साथ उतना दुर्व्यवहार किया गया, उनको जो है लाठियां बरसाई गई उन पर, हमारे कई कर्मचारियों को चोटें आई, और कल दिन से हमें यहां पर रखा गया लगातार बरसात में। हम कल दिन से यहां पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, पानी का टैंकर बड़ी मुश्किल से यहां पर उपलब्ध करवाया गया हमारे लिए, उसके लिए हम यहां के पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए यहां पर पानी का टैंकर पहुंचाया, परंतु उसके अलावा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले आसमान के नीचे हम लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा वो टैंकर जो निजी खर्चे पर मंगवाया गया, एक मानवता की मिसाल पेश करते हुए मैं उनका अपने पूरे परिवार संगठन की ओर से, अपने 717 परिवारों की ओर से धन्यवाद करूंगा। और उत्तराखंड सरकार को चेताना चाहूंगा कि आप चाहे कितना भी शोषण कर लो, कितना भी जुल्म कर लो, हम उन्हीं शहीदों के वंशज हैं जिन्होंने उस उत्तराखंड प्रदेश की लड़ाई लड़ी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, तिराहा, खटीमा, मसूरी, गोलीकांड झेले, 44 शहादतें दी है। हम शहादत देने से भी नहीं चुकेंगे, यदि ये सरकार नहीं चेती तो हम शहादत देने से भी नहीं चुकेंगे। ये लड़ाई अब हमारी रोजगार वापसी की नहीं है, ये लड़ाई हमारी युवाओं के खिलाफ जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है, ये अब उस दिशा की ओर लड़ाई बढ़ चुकी है। और उत्तराखंड सरकार नहीं चेतेगी तो इस आंदोलन को हम पूरे प्रदेश में कैंपेन के रूप में चलाएंगे, और इस सरकार की नीतियों से, जो ये इनके युवाओं के विरोधी नीतियां हैं, उस नीतियों के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में, क्योंकि हम सभी 13 जनपदों 95 ब्लॉकों के निवासी हैं, पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि इसकी तानाशाही अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी दीजिए, क्योंकि इस आंदोलन से मैं उत्तराखंड की जनता को बताना चाहूंगा, इस आंदोलन से इतिहास तो लिखा जाना है, ये निश्चित है। अब उस इतिहास में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अपना नाम किस रूप में दर्ज करना चाहते हैं, ये उनके विवेक पर पूरी तरह से अब निर्भर है। तो मेरा पुनः विनम्र निवेदन है उत्तराखंड की जनता से, हाथ जोड़कर, कि आप इस आंदोलन को अपने युवाओं के, युवा साथियों के लिए, जो आज भुखमरी की कगार पे हैं, हमारे बच्चे जो है एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं स्कूलों के, हमारे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, अब आप लोग जो इस आंदोलन को अपने हाथ में लें और पूरे प्रदेश में इसको एक जन आंदोलन के रूप में, जैसे एक उत्तराखंड राज्य के निर्माण का आंदोलन हमने लड़ा था, वैसे उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के इस आंदोलन को जो है आप लोग जन जन तक पहुंचाएं। और ये हमारे 21 साथी हैं, ये पूरे 13 जनपदों के साथी हैं, जो आज इस परिस्थिति में 11 साल सेवा देने के बाद जो है आज ये जो जेल जाने के लिए तैयार हो रखे हैं, उसी उत्तराखंड सरकार की
तानाशाही नीतियों के खिलाफ। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि आज जो जिन जिन हाथों ने जो है लाखों जिंदगियां बचाई थी, जिन हाथों ने जो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में लाखों जिंदगियां बचाने का काम किया था, आज उन लोगों को जो है जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस उत्तराखंड के लिए कोई नहीं हो सकती। मैं पुनः आह्वान करूंगा, ये देखिए इन लोगों को, पारिवारिक जिम्मेदारियां इन लोगों के ऊपर, पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर 75 दिन से देहरादून में धरना स्थल पर बैठे थे, शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और कल लगातार बर्बरता के साथ लाठी चार्ज किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा और आज जेल के अंदर ठूसा जा रहा है हमारे 21 साथी जो है। आज क्योंकि हमने तो उत्तराखंड प्रशासन को ये कहा था कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, पर क्योंकि उनके पास तो जगह है ही नहीं, हम तो अपने परिवारों को यहाँ पर लाकर जो है हम तो बोल रहे हैं कि हमारे परिवारों को, हम 717 लोगों को ठूंस दो, हमारे परिवारों को भी जेल के अंदर ठूंस दो, पर शायद उनके पास यहाँ पर जेल में जगह नहीं। तो हमारे 21 साथी आगे बढ़कर आए जो हमारे 717 परिवारों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं जरा थोड़ा आगे भी दिखा दीजिए, ये वही लोग हैं दुर्गम, कोई पिथौरागढ़ से, कोई चमोली से, दूरस्थ क्षेत्रों से, कोई चंपावत से, कोई टिहरी से, कोई उत्तरकाशी से, कोई बागेश्वर से है। इन हाथों ने जो है लाखों जिंदगियों को बचाने का काम किया था और आह्वान करता हूँ उत्तराखंड की समस्त देवी देवताओं का, क्योंकि ये देव भूमि है, ये भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ की धरती है, गोलजू महाराज, माँ कोटगाड़ी भगवती देवी की धरती है। यदि हमने सच्चे मन से उत्तराखंड के आम जनमानस की सेवा इन 11 वर्षों में की होंगी तो भगवान बद्री विशाल बाबा केदार, गोलजू महाराज, माँ कोटगाड़ी भगवती हमें अवश्य न्याय देगी और इस उत्तराखंड सरकार की जो तानाशाही रवैया है इस पर जो है जरूर एक तमाचा मारेगी, क्योंकि उत्तराखंड के वर्तमान मुखिया जो है अपने आप को जो है स्वयंभू मठाधीश समझने लग गए हैं। वो पूरे अफसरों की जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है उनके हाथों की लगातार कठपुतली बन गए हैं, उनको उत्तराखंड के युवाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब 11 वर्षों तक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर की अस्पतालों की बहुत दयनीय स्थिति है, वहां पहाड़ों में इस सेवा के माध्यम से जीवन दायिनी बनाकर लाखों जिंदगियां बचाकर 11 वर्षों बाद इन लोगों को लात मार दी जा सकती है, तो अन्य युवाओं के साथ क्या होगा? जो बेरोजगार युवा लाइन में लगे हुए हैं नौकरी के लिए उनके साथ क्या होगा? ये तो रोजगार में लगे हुए लोगों को हटा दे रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए, युवा शक्ति के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं पुनः आह्वान करता हूँ उत्तराखंड की जनता से कि ये 21 साथी जो है आज इन 717 परिवारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, इन 717 परिवारों की लड़ाई को लड़ने के लिए जो है जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? ये चेहरे जो है वही चेहरे हैं जिन्होंने 11 वर्षों तक, शायद आप इनमें से कई लोगों को जानते भी होंगे, इन्होंने 11 वर्षों तक आपकी जिंदगियां बचाई है, माताओं बहनों को दुर्गम क्षेत्रों से लाते हुए सुरक्षित प्रसव करवाए एम्बुलेंस के अंदर, और आज उनके साथ ये नौबत आ गई है। ये नौबत आज इन लोगों के साथ, हम लोगों के साथ आई है, कल आप लोगों के साथ भी आएगी, इसलिए समय है, अभी सब लोग जाग जाइए और इस आंदोलन को अपने हाथ में लेके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा, ये आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। बस इस इतिहास को, अब ये काला इतिहास लिखता है, ये स्वर्णिम इतिहास लिखता है, बस ये अब उत्तराखंड की सरकार पर निर्भर है वो किस तरह से इतिहास लिखवाना चाहती है, इन युवाओं के हाथों अब जो है इतिहास लिखा जाना है। पुनः मैं उत्तराखंड की जनता को आह्वान करता हूं कि आप लोग, हम 700 लोगों के परिवारों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आएं और इन 21 साथी जो अपना बलिदानी कहूंगा मैं इसको, कि जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं यहां पर, इन लोगों को जो है हक की लड़ाई लड़िए। थोड़ा जरा इनसे भाई साहब, देवेंद्र भाई कहाँ से? भाई साहब मैं चमोली ब्लॉक से हूँ, चमोली जिले से हूँ, देवाल ब्लॉक से। मैं यहाँ पर 75 दिन से धरना स्थल पर शांतिपूर्वक ढंग से हम धरना, लेकिन ये सरकार अभी तक कोई आश्वासन से अलावा कोई सख्त जो है कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये है कि बस हो जाएगा, लेकिन सरकार कब करेगी? कल हमने सचिवालय कूच किया, सचिवालय कूच के बाद हमने लाठी चार्ज करवा के घसीट करके हमको यहाँ 3 बजे कर्पण बैठा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए ना कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, हम भूखे यहाँ पर रात भर रहे और मेरे साथी सारे यहाँ पर भूख से, और यहाँ से 2 किलोमीटर शाम को यहाँ गेट बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद ये पीछे के रास्ते से अगर जाना पड़ जाए, सांप का डर अलग है, कांच वहाँ पर है, पैर कटने का डर अलग है, पानी यहाँ पर नहीं है। जैसे भाई साहब ने बता दिया कि पानी जो है
पुलिस प्रशासन की जो टीम आई थी उनने अपने व्यक्तिगत रुपयों से यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई है और जो है कि और आज हम जो है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ से हो सर? मैं गंगा प्रसाद लोकेशन गंगा प्रताप नगर के हैं। सम्मानित उत्तराखंड की समस्त जनता, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नवयुवक साथियों और इस प्रदेश की समस्त जितने भी दल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल हो गया, विपक्ष पार्टी कांग्रेस के दल हो गया, विभिन्न संगठन हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों ने इस उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण इसलिए किया है, इस उत्तराखंड प्रदेश को इसलिए बनाया गया है कि ताकि यहाँ के प्रदेश के नवयुवकों को, पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों को पलायन न करना पड़े। इस प्रदेश के लिए हमारी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने अपनी शहादत दी है, अपनी अपना बलिदान दिया है। लेकिन साथियों, आज बड़े दुख की बात है कि यहाँ का पढ़ा लिखा नवयुवक जिन्हें प्राइवेट कंपनियों में जो है रोजगार दिया जा रहा है, इस उत्तराखंड की सरकार के द्वारा प्राइवेट कंपनियों के साथ रोजगार दिया जा रहा है और फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए 10 सालों में, 15 सालों में, 5 सालों में बाहर कर दिया जा रहा है। तो मेरे साथियों, ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों ने जो है ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे विधायकों को भेजा है जो सारे गूंगे बन गए हैं, जिनके विवेक जो विवेकहीन हो गए हैं, जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं। हमारे साथ ऐसी ऐसी बहनें हैं, आप लोगों को जो है पता ही है, हम लोग 76 दिनों से जो है संवैधानिक तौर तरीके से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, अपना रोजगार वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों ने जो है 11 वर्षों तक 108 एम्बुलेंस सेवा में जो है इस प्रदेश की सेवा की है। हमने दिन रात अपनी जान हथेली में करके इस प्रदेश के सेवा की है, यहाँ के कई लाख लोगों को जो है जीवन दिया है। जहाँ पर 10,500 से ऊपर के प्रसव केस हम लोगों ने एम्बुलेंस में करवाए हैं, लाखों जिंदगियां हमने एम्बुलेंस में बचाई हैं। अगर उन लोगों को जो है सही टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, प्रशिक्षित EMT पायलट नहीं मिलते, तो आज ये लोग जो है इस दुनिया में नहीं होते। आप लोगों ने जो है कभी नहीं सुना होगा कि किसी माता या किसी बहन का प्रसव एम्बुलेंस में हुआ है और उसका बच्चा मरा है, उसकी वो महिला मर गई है। साथियों, हम लोगों ने जो है कर्तव्य निष्ठता से इस प्रदेश की सेवा की है, तो आज 11 वर्षों बाद हम लोगों के निजी स्वार्थ के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने हमें जो है अपने रोजगार, हमारा रोजगार छीन कर हम लोगों के लिए वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम लोगों को जो है कल हम लोगों ने सचिवालय अपने संवैधानिक तौर तरीके से एक मर्यादित ढंग से हम लोग कल सचिवालय कूच कर रहे थे, जहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा हमारे उत्तराखंड सरकार की उत्पीड़न की नीतियों के द्वारा हमारी जो हमारे साथ महिला कर्मी भी थे उनको जो है 180 अंश के इसमें डंडों रख के उनके पेटों में जो है डंडों की मारी गई है, जिनकी आंतें तक फट सकती थी। दो बहनें हमारी बेहोश हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कई बहनों पे चोटें आई हैं, जिनको जो है जगह जगह खून चलने लग गया था। हमारे एक पायलट हैं जिनका हाथ टूट गया था। ऐसे न जाने कितने कर्मी हैं जिन पे चोटें आई हैं। तो साथियों, बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग जिसके लिए ये प्रदेश बनाया गया था, ये नवयुवक, इस प्रदेश के नवयुवक जो है ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम पाकिस्तान से यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। आप पलायन आयोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हम लोगों को जो है पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कल हमारी जो बहनें थे, जो महिला कर्मचारी थी, उन बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो अमानवीयता व्यवहार किया गया है, वो शायद मुख्यमंत्री जी आपकी लड़की होती तो आपको कुछ, आपका कुछ विवेक जागता। तो मैं सभी जनता से, सभी संगठनों से, सभी दलों से निवेदन करता हूँ कि आज हम लोगों को ने जहाँ रोजगार पाना था, वो भी हमने जिस इस प्रदेश की सेवा करनी थी, वो भी प्राइवेट कंपनी में, आज हम लोगों को जो है जेल में जबरदस्ती अंदर किया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरी जनता एक हो जाए हम लोगों के लिए, अपने कल के दिन, अपने बच्चों के लिए, नहीं तो कल के दिन सारे प्रदेश के सभी युवकों के साथ यही होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं और इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमारा रोजगार वापस लाने के लिए आप लोग एक हो जाएं। धन्यवाद।
भाई पालतू लोग भी भाई, अरे भाई लोग यार छोड़ दे रहे यार। उत्तराखंड 108 सेवा के पूर्व कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए साइन करवाते हुए शुद्धों वाला जेल परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों द्वारा भाई जी दूसरे श्रीचंद सर जी सर साइन किस चीज के तीन भाई अरेस्टिंग की सूचना भी तुम्हारे भी होंगे जिनको सूचना दी जाएगी इसमें लिखा नहीं है। अरे तुम लिखना अब लिखेंगे अब इतना समय कहाँ है तुम्हारे टाइम तो पहले ही वैसे दिखा दिया दिनेश चंद थोड़ा लिख लीजिए सर ना लिख लीजिए पहले साइन करो उसमें कर लीजिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ जब मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं इसलिए करा रहा हूँ बल्कि आपके भी साइन कराऊंगा मैं लो आप भी करो साइन मैंने तो के अरे यार तो फिर वही बात है सूचना वाले अपना पूरा नाम पता लिखो सुमित भाई सुमित भाई थोड़ा इधर आ जाओ तुम पांचवें नंबर पे किस चीज का है और दो चार लोग मतलब 21 लोग है तो 21 लोग इसमें भी लिख देंगे अपना नाम पता फोन मोबाइल नंबर वो करो ना आप नहीं यार जो ये अलग ये वो लोग छठा छठा पांचवें कौन है प्रमोद प्रसाद थपलियाल लो इसमें करो पांचवें नंबर अरे भाई विपिन मोबाइल नंबर बुला के ला ना आपकी उम्र कितनी मोबाइल नंबर लिख देना जम लो की जी थोड़ा आप यहाँ जाओ सातवें नंबर भगवान सिंह सातवें नंबर देवेंद्र जांच बनने की ना तो वो चले जाएगा हम पे क्या रहेगा नाम सूचना देने वाले हाँ ये सूचना देने वाले ये लिखो नवे नंबर में लिखो भूपेंद्र एक दो नहीं कम से कम दो सोने चाहिए बढ़िया चले जाओ थोड़ा सा सूचना में कर दो चलो पहले साइन कर लो फिर आपकी उम्र कितनी इसमें लिखो यहाँ पे कौन दसवें नंबर पे ना आपका नाम क्या नाम यहाँ पे लिखो उम्र किसकी उम्र हाँ रोशन पहले उम्र लिखो कुछ लिखा हो तो है इसमें आगे
भाई यार लिखा तो अभी किसी में भी नहीं है तो अभी हमें लिखने में मैं सुबह से लगा पढ़ा हूँ, मेरी लिखा पढ़ी अब हो रही है। अगर तुम 2 बजे से करते ना मैं तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे कर देता, बल्कि ठीक है। अरे इसमें 5 मिनट नहीं लगेगा, अभी देखना तुम मेरे साथ ही रहना भाई मेरे। अगर 5 मिनट लगेगा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, हाथ से लिख के देना मैं बता दूंगा। चलो कोई कानूनी कार्रवाई से होता होगा। अरे अभी तो पूरी बनेगी इसमें यार, मुझे पूरी रिपोर्ट बनेगी इसमें। इसमें भी यहाँ पे लिखो भाई और आओ आप साइन करो। हरिचंद्र का और भी करो 2-3। अरे आपने 2-3 साइन करने वाले आओ करो, उम्र भी लिखो सूचना वाले। इसका कोई फॉर्मेट तो होगा सर? फॉर्मेट भी नहीं पड़ा है, पुलिस में फॉर्मेट नहीं होता यार। नहीं कुछ तो आप बता सकते हैं, उस हिसाब से हम साइन कर देंगे। ओरली बता दीजिए। अरे जब अरेस्टिंग होती है तो सूचना देते हैं। भाई ये लो हमने जा रहे हैं, अभी तो मेडिकल के भी बनेगा तुम्हें क्या पता। अभी तो क्या पता मेडिकल ले जाना पड़ेगा लोगों के नाम आएंगे। किस लोगों को तुम सुबह देखना, तुम बोलोगे कि क्या है क्या होगा। लोगों को आएंगे फिर ये लोग। अरे नहीं तुम अपने तुमने क्रम संख्या नहीं डाला, ये क्या है तुमने कहाँ की साइन? अरे यार यहाँ 12 नंबर डाल कर बोलो। अच्छा हम लोगों को यही कर दो भाई मेरे, जो भी छोड़े ने वही कहीं जहाँ जगह कर दे नाम के नीचे। सारी देर तुम वो कारण है उस समय से हो जाता है कि सब उसमें लिखेंगे उसको पढ़ा के जो भी लिखेंगे ना उसको अपने मुकदमा छोड़ के यहाँ पे आया। वहाँ पे 18 लाख की फोर्जरी हो रखी है। यहाँ पे कहाँ पे नंबर है 14 वाला ना, यहाँ पे पहले अपनी उम्र लिखो। उम्र कितने लोगों को? 10 तो कर ही दो यार, 10 लोग कर दो भाई। अरे भाई लिख दो यहाँ पे साइन करो। कोई 55 साल का तो नहीं है ना? हाँ 50 से नीचे ही है ना। हाँ लिखने और क्या? हाँ साइन करो। 50 साल से ऊपर वालों को मत करो भाई इसमें। सरकार ने मजबूर कर रखा है जाने के लिए। क्या तो देख लिया ना आपने, अब इनको याद आई है कि इन्होंने रूल बुक को फॉलो नहीं किया है, इसलिए अब इट इज वेरी ऑब्वियस कि कल कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे ये 21 लोग। ये दिखाया जाएगा कि इनकी अरेस्टिंग हुई थी कल और आज 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। परंतु कोर्ट के पास पावर्स है कि वह स्वतः संज्ञान ले सकती है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सामने आएगी और माननीय न्यायालय जो है शायद उन्हें भी इस बात का पता चलेगा तो वह स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। पर जो भी हो अब आस जो है वो न्यायालय पर है और पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि न्यायालय न्याय करेगा। परंतु ये सरकार क्या कर रही है आपने देखा है, सोच समझ के अपनी सरकारों को चुना करिए, इनकी बातों में मत आया करिए। और हमारी मौजूदा सरकार क्या है आप जानते हैं।
आप सभी से निवेदन है कि इन बच्चों की आवाज दूर दूर तक पहुंचे, इन्हें न्याय मिले, इसके लिए केवल एक ही चीज करने की आवश्यकता है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इनकी आवाज पहुंचे, सरकार चेते और सही करने की ओर कदम उठाएं, इन बच्चों के साथ न्याय हो।